तो so क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारे एनसेस्टर्स थे या फिर वीट का जो एनसिस्टर प्लांट था उस एनसिस्टर का जो हैप्लोइडी नंबर था वो था बेसिकली सेवन लेकिन वही आफ्टर इवोल्यूशन डे बाय डे चेंज होते होते अभी हेक्साप्लॉयडी में जाके रुका है जिसका क्रोमोजोम नंबर क्या होता है तो उसका क्रोमोजोम नंबर हो जाता है फोर्टी टू जहां पे ये एन इजिकल टू सेवन था तो ये पूरा सिस्टम इवोल्यूशन के थ्रू कैसे होता आ रहा है ये हमसे पूछा गया है तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो पूरा रीजन होता है जिससे कि प्लॉयडी नंबर चेंज होता है ये प्लॉयडी नंबर का सिचुएशन जो है ये डे बाय डे जेनरेट होता है और इस डे बाय डे जेनरेशन के प्रोसेस में जो इवोल्यूशन आता है उसमें मेन रीजन यही होता है कि जब डिवीशंस होते हैं सेल डिवीशंस या फिर साइटोप्लाज्म डिवीशंस अगर कहें तो उस टाइम पे सही से साइटोप्लाज्म डिवीजन जो है वो टेक प्लेस नहीं करता है जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे फ्लोइडी नंबर जो है वो पर सेल हिसाब से इंक्रीज करता चला जाता है तो इसी हिसाब से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है तो फर्स्ट है ड्यू टू तो फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोजोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन लेकिन अगर सेग्रीगेशन यानी जब सेपरेशन होता है जिससे कि गैमेट फॉर्मेशन होता है जैसे मान लीजिए ये क्रोमोजोम है जो कि सेपरेट होके गैमेट्स फॉर्म कर रहा है तो उधर अगर कोई प्रॉब्लम होता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन या फिर सेग्रीगेशन तो वहां पे एबनॉर्मल स्ट्रक्चर या फिर एबनॉर्मल वीट प्रोडक्शन दिखाई देंगे और ऐसे प्लांट लिव नहीं कर सकते इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा नेक्स्ट गेन ऑफ ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी तो इसमें भी वही होता है कि जब एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोजोम जो है वो यहाँ पे इंक्रीज होता है तो उसमें फ्लोइडी नंबर तो इंक्रीज हो जाता है लेकिन वहां पे भी एबनॉर्मलिटी फॉर्म होता है जिसमें हम देख सकते हैं कि लीफ जो है वो फॉर्म नहीं होते या फिर खराब सर्फेस फॉर्म होता है प्लांट का और उसका ब्रीडिंग जो है वो भी एकदम से डिक्रीज हो जाते हैं इसलिए इसको भी हम लोग करेक्ट ऑप्शन नहीं कह सकते नेक्स्ट है ड्यू टू फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिविजन तो बेसिकली जब टेलोफेज स्टेज आता है सेल डिविजन का और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कि साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है जैसे कि टू डिफरेंट सेल्स फॉर्म होते हैं ये जब एब्सेंट होता है तब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज कर जाते हैं जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर गया लेकिन क्रोमोजोम जो है वो सेम रह गया जैसे कि क्या होता है कि यहाँ पे हेप्लॉयड प्लस हेप्लॉयड यहाँ पे डिप्लोइड सेल हो गए इसी के साथ साथ जनरेशन आफ्टर जनरेशन साइटोप्लाज्म वही रह गया और न्यूक्लियस जो है वो इंक्रीज करता चला गया जैसे कि प्लॉयडी नंबर इंक्रीज होके हेक्सा प्लॉयडी नंबर में आके रुक गया तो यही चीज है जो कि यहाँ पे अगर फॉर्म होता भी है एंसेस्ट्रल लाइन से तो यहाँ पे कोई भी इरेगुलेशन या फिर कोई भी एबनॉर्मलिटी जो है वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा और इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे एंसिस्टर से जो न्यू डिविशन हुए हैं एन टू सिक्स कंडीशन ये बेसिकली फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस यानी फेलियर ऑफ साइटोप्लाज्म डिवीजन से ही हुआ है तो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन और उसी को हम यहाँ पे टिक कर लेंगे वहीं नेक्स्ट है जहाँ पे बोला गया है ड्यू टू लॉस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम लेकिन अगर यहाँ पे लॉस होता तो प्लॉइडी नंबर जो है ये बेसिकली डिक्रीज होता पाया जाता ना कि इंक्रीज। तो इसीलिए ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है तो जो करेक्ट है वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन और उसी को हम यहाँ पे टिक कर लेंगे क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर